गाइज, आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग। आज हम एक बहुत कलरफुल टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कोरल रीफ। इससे पहले कि हमें पता हो कि कोरल रीफ क्या होते हैं, फोटिक जोन समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, ये कॉन्टिनेंट है और यहाँ पर कॉन्टिनेंट ख़त्म हो रहा है, यहाँ से ओशन स्टार्ट हो रही है। तो ओशन के सरफेस से लेकर 200 मीटर की गहराई तक का जो जोन है उसे फोटिक जोन कहा जाता है। सूर्य की जो किरणें हैं वो फोटिक जोन में पेनिट्रेट कर सकती हैं, यानी सूर्य की किरणें समुद्र में 200 मीटर की गहराई तक पेनिट्रेट करके घुस सकती हैं। तो सूर्य की किरणों को यूज करके खाना बनाने वाले ऑर्गेनिजम्स इस जोन में मिलेंगे, यानी फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिजम्स यहाँ मिलेंगे। देयरफॉर फोटिक जोन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब कोरल रीफ पढ़ते हैं, बहुत इजीली समझ आएगा आपको। कोरल रीफ क्या होते हैं? बहुत बड़ी बड़ी विशाल आकार संरचनाएं होती हैं, ये क्रिएशंस होती हैं जो कोरल्स के द्वारा बनाए जाते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा कॉन्टिनेंट का शेल्फ है, एंडिंग हो रही है, कॉन्टिनेंट यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ से समुद्र शुरू हो रहा है। कॉन्टिनेंट के एंड से कुछ गहराई में यहाँ पे कोरल्स इस तरीके से रहना स्टार्ट कर देंगे, और कोरल्स जो हैं वो एक एल्गी के साथ रहते हैं जिसका नाम है ज़ूज़ैंथली। ये एल्गी सूर्य की किरणों को यूज करके खाना बनाती है और वो खाना कोरल्स भी यूज करते हैं। बदले में कोरल्स इस एल्गी को रहने के लिए जगह देते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है एल्गी और कोरल्स का। एल्गी यहाँ पे है ज़ूज़ैंथली, यानी शैवाल जो यहाँ पे इसके साथ रहती है कोरल के साथ, उसका नाम है ज़ूज़ैंथली। कोरल्स ज़ूज़ैंथली को शेल्टर देते हैं जबकि ज़ूज़ैंथली कोरल्स को खाना देती है। प्रवाल भित्तियां फोटिक जोन में प्रवाल द्वारा निर्मित विशाल संरचनाएं हैं। प्रवाल और शैवाल के बीच सहजीवी संबंध, यानी एक दूसरे को बेनिफिट करने वाला रिलेशन होता है। और यहाँ पे शैवाल कौन सी है? ज़ूज़ैंथला। प्रवाल ज़ूज़ैंथला को आश्रय देता है जबकि ज़ूज़ैंथला प्रवाल को भोजन देती है। जैसे किसी ऑर्थोडॉक्स फैमिली में हस्बैंड बाहर से पैसे कमा कर लाता है जिससे घर चलता है, एंड वाइफ को रहने के लिए शेल्टर देता है और बदले में वाइफ उसे खाना देती है, उसी तरीके से कोरल जो है वो हस्बैंड का रोल प्ले कर रहा है एंड ज़ूज़ैंथली वाइफ का रोल प्ले कर रही है। कुछ और एडिशनल पॉइंट्स है कोरल्स से रिलेटेड। कोरल्स जो है लार्ज अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी अनऑर्गेनाइज्ड बिल्डिंग टाइप स्ट्रक्चर्स होती हैं ये, जो मेनली कोरल्स के स्केलेटन्स की बनी हुई होती हैं। हर एक इंडिविजुअल कोरल को पॉलिप कहा जाता है। देख लीजिए, ये है कोरल का स्ट्रक्चर। इसके ऊपर ये इसके हाथ टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें टेंटाकल्स कहा जाता है। इन टेंटाकल्स पे ही ज़ूज़ैंथली रहती है। इन टेंटाकल्स को ही यूज करके कोरल छोटे मोटे आसपास तैर रहे पानी के जीव जंतुओं को डाइजेस्ट करता है, लेके अंदर खा लेता है, और मरने के बाद ये कोरल यहीं पे कैल्शियम कार्बोनेट की बॉडी बनकर गिर जाएगा, जिसकी वजह से धीरे धीरे इस तरीके से पहाड़ बड़ा होने लग जाएगा। प्रवाल भित्तियां बड़ी पानी के नीचे की संरचनाएं हैं जो मूंगों के कंकालों से बनी होती हैं। प्रत्येक व्यक्तिगत मूंगे को पॉलिप कहा जाता है। टेंटाकल्स जो इसके मैंने अभी आपको दिखाए थे ऐसे करके, उनमें चुभने वाली कोशिकाएं होती हैं, यानी सेल्स होते हैं जिन्हें नेमाटोसिस्ट कहा जाता है। ये कोरल को छोटे जीवों को पकड़ने के लिए हेल्प करती हैं जो आसपास तैर रहे हों, और उन जीवों को फिर पकड़ के कोरल खा जाता है। आगे बात करते हैं कि ज़ूज़ैंथली क्या होता है। ये सिम्बायोटिक एल्गी होती है। सिम्बायोटिक एल्गी यानी ये अगर कोरल के ऊपर रह रही है तो ये फ्री में नहीं रह रही है, ये बदले में कोरल को खाना प्रोवाइड करती है। सिंगल सेल्ड एल्गी होती है जो फोटोसिंथेसिस करती है, यानी सूर्य के प्रकाश को यूटिलाइज करके खाना बनाती है। जो खाना ये बनाती है उसमें से कुछ खाना ये कोरल को प्रोवाइड करती है। कोरल बदले में इसे रहने की जगह देता है और न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। सहजीवी शैवाल एक कोशिकीय होते हैं, यानी सिंगल सेल्ड सहजीवी शैवाल। ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं और कुछ भोजन कोरल को देते हैं जो उनके मेजबान होते हैं। बदले में मूंगे इन्हें आश्रय और पोषण प्रदान करते हैं। अब ज़ूज़ैंथली का स्ट्रक्चर कर लेते हैं। देखिए, ये बहुत क्लियरली विजिबल है, ये कोरल है और ये इसके टेंटाकल्स हैं। इन टेंटाकल्स को मैग्नीफाई करके देखेंगे तो यहाँ पे ब्राउन ब्राउन कलर के सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स रहते हुए दिखेंगे।
ये ऑर्गेनिजम्स ही कहलाते हैं जूजैंथली। इसी की वजह से इनके अगर आप दूर से देखोगे तो कलर थोड़ा ब्राउनिश ब्राउनिश दिखाई देता है। ये थोड़ा और मैग्निफाइड स्ट्रक्चर है कोरल्स का, देखिए बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है, ब्राउन ब्राउन कलर के डॉट्स हैं इसके टेंटाकल्स पे, इन्हीं को जूजैंथली कहते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स की। तीन टाइप्स के कोरल रीफ होते हैं, सबसे पहला फ्रिंजिंग रीफ, फिर बैरियर रीफ और थर्ड एटोल। फ्रिंजिंग रीफ जो है ये फर्स्ट स्टेज ऑफ कोरल रीफ फॉर्मेशन है, यानी जब कोरल कहीं पे बनना शुरू होते हैं तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर वो बनाते हैं वो है फ्रिंजिंग रीफ। हालांकि बैरियर रीफ जो है ये लार्जेस्ट ऑफ ऑल कोरल रीफ होते हैं, एटोल के बारे में भी डिस्कस करेंगे पर अगली वीडियो में। तो ये तीन हो गए, फ्रिंजिंग रीफ, अवरोध चट्टाने एंड एटोल। सिर्फ जो हार्ड कोरल्स होंगे, वेरी हार्ड कोरल्स जो होते हैं वो कोरल रीफ फॉर्म करते हैं, सॉफ्ट कोरल्स डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, पानी में मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, वो कोरल रीफ फॉर्म नहीं कर पाते। कोरल रीफ को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशन कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कोरल रीफ के आसपास बहुत ज्यादा मछलियां रहती हैं, बहुत ज्यादा हाई लेवल ऑफ बायोडायवर्सिटी कोरल रीफ्स के आसपास मिलती है, इसीलिए इन्हें जैसे धरती के ऊपर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सबसे हरे भरे होते हैं, सबसे ज्यादा वैरायटी के एनिमल्स यहाँ मिलते हैं, इसी तरीके से पानी में जहाँ पे कोरल्स होंगे वहाँ पे बहुत ज्यादा मछलियाँ मिलेंगी आपको, बहुत ज्यादा वैरायटी की मछलियाँ मिलेंगी और जो इंटरडिपेंडेंट होती हैं। कोरल्स में काई होती है तो काई को खाने के लिए आएगी स्मॉल फिश, स्मॉल फिश को खाने के लिए आएगी मीडियम फिश, उसको खाने के लिए आएगी लार्ज फिश, इस तरीके से हर लेवल की फिश यहाँ पे रिजाइड करना शुरू कर देती है। सो गाइस दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हमारे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।